अमेरिका के बाद मेक्सिको की संसद में एलियन पर हुई चर्चा। आइए जानते हैं पूरा मामला। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मेक्सिको की संसद में मंगलवार को एलियन की मौजूदगी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दो शव भी दिखाए गए। दावा है कि ये शव एलियन के हैं। मेक्सिको जर्नलिस्ट और यूफोलॉजिस्ट जेम मोसाल ने बताया कि ये शव पेरू की एक खान में मिले थे जो करीब 1000 साल पुराने हैं। संसद में इस इवेंट को लाइव टेलीकास्ट किया गया। मम्मी बन चुके एलियन के शव को लकड़ी के बॉक्स में रखा गया था। इसका वीडियो भी जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट रियान ग्रेस भी मौजूद थे। रियान ने भी अमेरिकी संसद में दावा किया था कि सर्विस के दौरान वो एलियन के स्पेसक्राफ्ट को देख चुके हैं। मैक्सिकन संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने सरकार से एलियन पर स्टडी के लिए मंजूरी देने की मांग की। पत्रकार मोसाल ने बताया कि यूएफओ सैंपल पर हाल ही में ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको में स्टडी हुई थी। यहां वैज्ञानिक ने डीएनए का रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए एनालिसिस किया। इससे पहले जुलाई में अमेरिकी संसद में भी एलियन को लेकर चर्चा हुई थी। इस दौरान यूएस नेवी के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर रिटायर्ड मेजर डेविड ने दावा किया था कि अमेरिकी कई सालों से यूएफओ और एलियन से जुड़ी जानकारी छिपा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका इन यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहा है। द गॉर्जियंस के मुताबिक मेजर डेविड 2022 अमेरिका के डिफेंस एजेंसी के लिए यूएफओ से जुटी संबंधित घटनाओं पर एनालिसिस कर रहे थे। सुनवाई में उन्होंने बताया था कि सरकार को एलियन मिले थे और वो उनके स्पेसक्राफ्ट पर सीक्रेट रिसर्च कर रही है। डेविड ने कहा था कि उन्हें काम के दौरान कई सालों के क्रैश हुए यूएफओ पर चल रही रिसर्च और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला था। हालांकि इस प्रोग्राम को देखने के लिए उन्हें मंजूरी नहीं दी गई। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इन दावों को खारिज कर दिया था। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका ने एलियन से जुड़ी कोई भी प्रोग्राम न कभी चलाया था और न ऐसा कुछ हो रहा है। संसद में डेविड ने यह भी दावा किया था कि 1930 में हुए क्रैश में दूसरे ग्रह का स्पेसक्राफ्ट मिला था, साथ में बॉडी भी मिली थी। ये इंसान की नहीं थी। उन्होंने बताया था कि यूएस के इन प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों के जरिए उन्हें यह सूचना मिली थी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सरकार 1930 से ये प्रोग्राम चला रही है। जून में डेविड ने पृथ्वी के बाहर जीवन होने की बात कही थी। डेविड ने दावा किया था कि पृथ्वी के बाहर जीवन है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास दूसरे ग्रह से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां भी मौजूद है। उन्होंने कहा था कि वो संसद के सामने इसके सबूत पेश करने को भी तैयार है। इसके बाद विपक्ष पार्टी रिपब्लिकन ने तुरंत इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए जांच कमेटी का गठन किया। रिपब्लिकन के नेता बर्सेट ने कहा था कि वो इस बात में यकीन रखते हैं कि एलियन है। इस सुनवाई में डेविड के अलावा पूर्व नेवी कमांडर डेविड और रिटायर्ड नेवी पायलट रियान भी शामिल हुए थे। इस दौरान इन दोनों ने ही एलियन स्पेसक्राफ्ट देखने का दावा किया। 2020 में यूएफओ की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी। 9 पेज की इस रिपोर्ट में अमेरिकी गवर्नमेंट सोर्स के जरिए 2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओ के बारे में जानकारी दी थी। पेंटागन ने इन्हें अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन कहा था। खास बात यह थी कि रिपोर्ट में यूएफओ देखे जाने की ना तो पुष्टि की गई और ना ही इस बात को खारिज किया गया। ये जरूर कहा था कि इस तरह के ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर एलियंस के आने का संकेत हो सकते हैं। 1947 से 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक जांच ऑपरेशन चलाया। इसमें कुल 12,618 रिपोर्टर्स की जांच में पाया गया कि यह सामान्य घटना थी, जबकि 701 रिपोर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। 2020 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनल टास्क फोर्स नाम दिया। 24 जून 1947 को मशहूर बिजनेसमैन और पायलट अर्नोल्ड वॉशिंगटन स्टेट में माउंट रेवियन के पास उड़ान भर रहे। अर्नोल्ड ने 9 चमकीले ऑब्जेक्ट को एक साथ वी पैटर्न में आसमान में उड़ते हुए देखा। उसकी स्पीड लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उस वक्त की किसी भी टेक्नोलॉजी के 3 गुना ज्यादा तेज थी। और उन्होंने बताया कि उन्होंने आसमान में तस्तरी जैसी ऑब्जेक्ट देखी है। अगले दिन कई अखबारों में छाप दिया था कि आसमान में उड़ती हुई तस्तरी दिखी गई। इसके बाद यूएफओ देखे जाने की घटना बढ़ गई। दुनिया के कई देशों में चल रही यूएफओ की स्टडी चिली एयरफोर्स के साथ मिलकर यूएफओ की जांच कर रहा है। इसका नाम CEFAA है। चीन 500 मीटर का स्फेरिकल टेलीस्कोप लगाया है। इसका मिशन एलियन के कम्युनिकेशन सिग्नल को पता लगाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।